अनुमति है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। इसके लिए मैंने आधा चम्मच घी डाला है। इसी में मैंने काजू बादाम कट करके रखा है, वो डाल रही हूँ। ये हमारे ड्राई फ्रूट गुलाबी हो गए। अब मैं इसमें साबूदाना एक चम्मच करीबन डाल रही हूँ। हल्का सा इसे भूनेंगे। अब इसी में मैं एक कप दूध डाल रही हूँ। हमारी खीर में उबाल आ चुका है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालेंगे। देखिए साबूदाने बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। अब हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है तेल के अंदर, और थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ा कड़ी पत्ता, और इसी में मैं कुछ आलू डाल दूंगी। इसी आलू में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, साथ ही में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें मूंगफली के दाने डालूंगी जो मैंने क्रश कर रखे हैं, और अब मैं इसमें साबूदाना डाल दूंगी। साबूदाने की खिचड़ी रेडी है। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। अब मैं फलारी आलू की रसे की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसमें जीरा डालूंगी, कुछ कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, इसी में मैं आधी चम्मच लाल मिर्च डालूंगी और कुछ आलू, साथ ही मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, और ये टमाटर कट करके रखे हैं मैं ये भी डालूंगी। देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे से मैश हो गए हैं। मैं इसी में थोड़े से मूंगफली क्रश करी हुई डालूंगी, जिससे थिकनेस बनी रहे। इसे मिक्स करते ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी। उबाल आते ही हमारी सब्जी रेडी है। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब मैं पनीर लॉलीपॉप बनाने जा रही हूँ। साबूदाने आलू से बनेगा। देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया है, ये दो आलू हैं। इसमें मैं कुछ साबूदाने डालूंगी, इसमें मैं हरी मिर्च, क्रश करी हुई मूंगफली दाने, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा। अब इन सबको मैं मैश करूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मारूंगी, और साथ ही मैं हरा धनिया भी डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। देखिए पनीर लॉलीपॉप के लिए मैंने पनीर को स्क्वायर कट कर लिया है, और ये लकड़ी की स्पून या आपको जो स्टिक जो भी मिले आप उसको ऐसे अंदर पुश करेंगे, और इसी के ऊपर में हम ये अच्छे से इसको लपेट देंगे। देखिए ये हमारे लॉलीपॉप रेडी हो चुके हैं। दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे लाल हो गए हैं। अब इसे हम बाहर कर लेंगे। अब ये हम फलारी डोसे के लिए बैटर बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास में भगर है जो फलार में यूज़ आता है। एक बाउल मैंने ले लिया है। अब इसमें एक चम्मच केवल बड़ा मैं साबूदाना डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, और एक चम्मच इसमें दही डालूंगी, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारे डोसे का बैटर रेडी हो गया है। स्मूथ बनाना था हमें, ये बन गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए होल्ड पर रख देंगे। फिर हम डोसे के आलू बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा तेल लिया मैंने। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें जीरा डालूंगी। अब इसी में मैं हरी मिर्च, करी पत्ता,
और मूंगफली डाला। इसी में मैं लाल मिर्च, थोड़ी सी चुटकी मसाले में और नमक ये डाल दूँगी। अब इसी में मैं ये आलू डाल दूँगी। मैं एक चुटकी शक्कर डालूंगी और थोड़ा सा नींबू का रस और हरा धनिया। रेडी हो गया ये हमारा आलू का मसाला। देखिए डोसे के लिए मैंने तवा गरम कर लिया है और ये हमारा बैटर है। देखिए अब इसमें हम आलू का मसाला डालेंगे। ये हमारा डोसा रेडी हो गया। अभी डोसे के लिए हम फलारी चटनी बनाएंगे, जिसमें मैंने ये थोड़ा हरा धनिया लिया है, कुछ मूंगफली के दाने लिए सिके हुए, ये हरी मिर्च, पुदीने के कुछ पत्ते, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच दही, बस इसे ग्राइंड करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।